गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक यूनिट का क्या मतलब है। जो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, जिसमें आप पे करते हैं यूनिट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आप अगर पे कर रहे हैं 100 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट का जो भी प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये है, तो आप 100 का कितना देंगे, 500 रुपीज़। तो ये यूनिट क्या है? यूनिट बेसिकली आप पे करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, और ये 1 यूनिट इक्वल टू है 1 किलोवाट आवर। मतलब कि जब आप 1 किलोवाट के लोड को 1 घंटे तक चलाएंगे, तो आपको 1 यूनिट हो जाएगा। किलोवाट है बेसिकली पावर का यूनिट, और आवर है टाइम का यूनिट। तो ये हो गया वाट सेकेंड, इसी को आप कहते हैं जूल। तो यू आर पेइंग फॉर जूल। फॉर एग्जाम्पल एक 100 वाट का अगर बल्ब है, उसे आप 5 घंटे के लिए जलाते हैं, तो कितनी यूनिट आपकी बन जाएगी, 100 × 5/1000 इक्वल टू 0.5 किलोवाट आवर, या फिर आप कह सकते हैं कि 0.5 यूनिट।